वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में मात्र एक विकल्प है कि आप जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवा लें। 18 साल की उम्र से ऊपर वाले के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी दौरान रेफरल अस्पताल अमोर में रविवार को अमोर मरकज के इमाम एहसान आलम एवं सेक्रेटरी शमशाद आलम ने लोगों से अनुरोध किया कि वैक्सीन के लिए जल्द से जल्द आप लोग पंजीकरण करवा लें और अपना डोज लगवा लें। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप डबल मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें, साथ ही हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें। हाफिज एहसान ने क्षेत्रवासियों से अपील किया कि कोविड का टीका लगाने में कोई संकोच ना करें, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं MIM के अमोर विधानसभा अध्यक्ष मुकर्रम हुसैन ने कोविड का पहला डोज लेने के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को टीका लेने की अपील की है। टीका बहुत अच्छी चीज है, हमारी सेहत के लिए भी और कोविड 19 से बचने के लिए भी, बीमारी को दूर करने के लिए सबको टीका लगाया जरूरी समझे। टीका के लिए कोई चार्ज वगैरह तो नहीं लगता है? नहीं, कोई ये बिल्कुल निःशुल्क है। जिन्होंने नहीं लगाया है अब तक? हाँ, जो नहीं लगाया है वो जरूर लगा, जो जरूर लगवाए। तमाम लोगों से एक शेर अर्थ है, ले लो पड़ता है गौहर मकसूद, फिर न कहना हमें खबर न दी। पहला डोज मैंने ले लिया। अच्छा, क्या सब संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? हम लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये आलमी वबा है, इसके हिफाजत के लिए माहिरीन के तरफ से जो अहकाम हैं, हिदायत हैं, उन पर अमल करें। मास्क ज़रूर पहनें, जिस्मानी दूरी कम से कम 2 फीट बना के रखें और बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइज करें। आज हमने पहला डोज लिया है और लोगों से अपील ये करते हैं कि दवाई का इस्तेमाल करना ये सुन्नत नबवी है, हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर मर्जी की जिम्मेदारी है कि एहतियाती जो भी तदाबीर हैं, चाहे वो दवाई के इंजेक्शन के माध्यम से हों या साफ़ सफाई के माध्यम से हों या मास्क के माध्यम से हों, जो भी तदाबीर हैं, जो भी एहतियाती कदम हैं, उनको अपनाना हर भारतीय का कर्तव्य है और हर भारतीय की जिम्मेदारी है। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आप अपना इंजेक्शन लें। इंजेक्शन लेने के बाद आपके अंदर जो भय है वो ख़त्म हो जाएगा और आप एक बेहतर समाज के निर्माण में सहयोग देने में सक्षम होंगे। यही आशा है कि मेरी आवाज़ पर आप अगर अपना इंजेक्शन लगा लेते हैं तो आपकी भलाई, आपके समाज की भलाई और आप जिस देश में रहते हैं उस देश की भलाई में आपकी कारकर्दगी शामिल है।